अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ महमूद अफरीदी और आप देख रहे हैं डिकी फूड। तो आज पोटैटो का अच्छी चिप्स हम तैयार करते हैं और ये रेसिपी बहुत आला रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है आलू, तीन दादा हमने आलू लिया है। इसका हम छिलका उतार लेते हैं अच्छे से। आलू इस क्वालिटी वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी क्वालिटी वाले। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों का समझ आ जाए। तो इस तरीके के साथ हम काट लेते हैं, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं, तो बराबर काट लेते हैं इस तरीके के साथ। ये आप देख सकते हैं, अगर मशीन नहीं तो आप छुरी के साथ भी काट सकते हैं। तो हम इसका एक पीस दिखा लेते हैं कि इस तरीके से आप काट ले और बराबर। तो ये लास्ट पीस है और लास्ट पीस काट लेते हैं और दिखाते हैं इसका कटिंग। तो ये देख सकते हैं इस साइज़ में। तो हमने पानी लिया है, पानी इसका हम दो से तीन मरतबा इसको हम धोते हैं, जैसे इसका जो गंदा पानी है वो हम चेंज करते हैं इस तरीके के साथ। तो हमने तीन मरतबा फ्राइज़ को हमने धो लिया है और एक अच्छे से कपड़े हमने लिया है। अगर आपके पास टिश्यू है तो टिश्यू के साथ आप इसका पानी ड्राई कर लें, अगर टिश्यू नहीं है तो कपड़े के साथ इसका पानी ड्राई कर लें। जितना इसका पानी ड्राई हो जाए तो ये क्रिस्पी आता है और जल्दी भी पक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका पानी ड्राई हो चुका है और हमने बोल में शिफ्ट किया है और 2 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर हमने डाला है, अगर आपको नमक इस टाइम में डालते हैं या बाद जब पक जाए तो एक ही बात है। तो हमने इस टाइम में शामिल किया है 1 टीस्पून हमने नमक शामिल किया है। तो इस तरीके के साथ इसको हम मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सारा कॉर्नफ्लोर है और नमक फ्राइज़ के ऊपर लग जाते हैं। तो हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हमने पहले से ऑयल गर्म किया है, आप देख सकते हैं, और इसको हम मिक्स करते हैं और इसको हम दिखाते हैं। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका कलर चेंज हो गया है और ये तैयार होने वाला है। तो माशाल्लाह हमारा फ्राइज तैयार हो चुका है और इसको हम प्लेट में शेड कर लेते हैं। ये है माशाल्लाह हमारे जो प्राइस है वो तैयार है। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।